अश्वपति गौतम ऋषि के आश्रम के निकट जा पहुंचे तो पहले अपने दूत को भेजा के जाओ भाई राजा ध्वजसेन से आज्ञा लेकर आओ। तो दूत ने जाकर राजा ध्वजसेन से आज्ञा मांगी कि भगवान राजा अश्वपति आपसे मिलना चाहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो। राजा ध्वजसेन ने कहा कि जाओ भाई न्यादर सहित ले आओ, मैं भी उनसे तो बात करना चाहता हूँ, काफी उनका नाम मैंने सुना है, वो तो बहुत बड़े महाराजा हैं। तो राजा अश्वपति जा पहुंचे उनकी शरण में और क्या कहते हैं। राजा ध्वजसेन के चरणों में अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। खुश रहो राजन, आइए पहले तो मैं आपके लिए कुछ फल वगैरह मंगाए देता हूँ। ठीक है राजन, बताइए आप किस कार्य के लिए मेरे पास आए हैं। राजन हाँ, हमारी लड़की, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके लड़के सत्यवान से करना चाहता हूँ। राजन आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र सत्यवान से करना चाहते हैं। जी हाँ राजन जी, आपकी लड़की जो रंग महलों में पली, 3600 प्रकार के भोजन, राजशाही पोशाक, वे सुख सुविधाएं उसे यहाँ कहाँ मिलेंगी। हम तो ऋषि के आश्रम पर रहकर फल फात खाकर गुजारा करते हैं, कहीं और जाइए किसी राजकुमार को देखिए। राजन नहीं, राजन मैं आपके लायक नहीं हूँ। हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है ना, वो सिर्फ आप ही के लड़के से। राजन हे राजन, संकल्प से कुछ नहीं होता, जीने के लिए सब कुछ आता है। मेरे हालात क्या है, मेरी बात सुनिए। मेरी प्रार्थना तो सुनाइए अपने हालात। खूब अच्छी तरीके से सुन लिया है।
लक्ष्मी चंद वीर हो नरम, बिन जगा भूख प्यास में मरम। भाई धर्म बंधा खुट्टे जिनका, जिन्हें सब तरिया तक मन मारा। राजन मैंने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन राजन मेरी आधीन सी से एक अर्ज तो सुन लीजिए राजन। हाँ कहिए, तो बड़ी आशा लेकर के आऊँ आपके। कहिए आप क्या कह रहे हैं। Oh,
आप भर भर के पति से।
आओ रे ने लागण दे प्रेम रूप के झोले हाँ। भेद नहीं मेरे अंतर में चाहे रूम रूम में टोले हाँ। कह लक्ष्मी चंद सब पाप छोड़ के सीधे रस्ते होले हाँ। फिर राजा की करने सफाई और ब्राह्मण नु बोले क्या अशोपति सत कहे भूप से ना तिल भर फरक गति से जो शरण पड़े की आस तोड़ दे उसकी मूड मति से हेलो राजन आप थोड़ी देर यहां ठहरिए मैं अपने पुत्र सत्यवान से राय ले लेता हूं। ब्रजपाल सिंह राठौर साहब वो 100 रुपए पार्टी को दे रहे बार बार धन्यवाद। मैं अपने पुत्र सत्यवान से राय ले लेता हूं। हाँ ठीक है राजन ठीक है। हाँ भाई सत्यवान जी पिताजी नमस्कार। चिरंजीव रहो हमारे आश्रम पर राजा अश्वपति आए हुए हैं बड़ी खुशी की बात है और वो अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। क्या कहा मेरे साथ करना चाहते हैं अपनी पुत्री का विवाह? हाँ। तो आपने इस बारे में उनको क्या कहा है? मैंने इनकार कर दिया। अच्छा किया पिताजी मेरी भी यही राय है लेकिन वो मानते नहीं। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है हाँ। वो आपके पुत्र सत्यवान से है। ओहो ऐसा कहते हैं? ऐसा कहते हैं वो। पिताजी हाँ। अगर आपकी आज्ञा हो और आपको बुरा ना लगे हाँ। तो क्या दो बात मैं भी राजा से कर सकता हूँ? चल भाई आजकल तो छोरे देखण खुद जा है। चल तू कर ले बा। राजन नमस्कार। खुश रहो राजकुमार। मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे संग करना चाहते हो। बिल्कुल सत्य है मैंने कहा। हाँ। आपकी और आपकी पुत्री की कोई शत्रुता तो नहीं है? कोई नहीं राजकुमार। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो ऋषि के आश्रम पर रहकर फल पाता दिखाकर गुजारा करने वाले हैं तपस्वी हैं। आपकी पुत्री रंग महल में पड़ी 36 प्रकार के भोजन ग्रहण की राजशाही पोशाक पहनी हजारों दासियां इनकी सेवा में रही होंगी। ये सुख सुविधा राजकुमारी को यहाँ नहीं मिल सकती और मैं इनके योग्य भी नहीं हूँ राजन मुझे क्षमा कीजिए। नहीं राजकुमार कोई और अच्छा राजकुमार इनके लिए तलाश कीजिए। नहीं नहीं राजकुमार हमारी लड़की का जो दृढ़ संकल्प है ना वो सिर्फ आप ही के नाम से है राजकुमार। फिर वही संकल्प संकल्प। नहीं राजन ऐसी बात मत कीजिए आप। हाँ मैं फिर क्षमा चाहता हूँ। क्या हम तो यहाँ गौतम ऋषि के आश्रम पर उनके वचन सुनते आए हैं। हाँ। हमें तो इस बात का ज्ञान है कि दृढ़ संकल्प का कितना महत्व होता है और जो इंसान जिस ज्ञान को जिस गुण को जानता है उसे नकार देना ये अच्छी बात नहीं होती। दृढ़ संकल्प का कितना महत्व होता है कि अगर इंसान सच्चे मन से दृढ़ संकल्प करे तो भगवान को भी पा लेता है। दृढ़ संकल्प का इतना बड़ा महत्व होता है तो भगवान को भी पा लेता है। सकता है सत्यवान पाना तो बड़ा आसान है राजन। राजन अपनी पुत्री से कहो वरमाला डाल दे। हाँ, वरमाला डालो। दादी ठहरिए मेरा ये मतलब नहीं है। मेरे मतलब को आपने गलत समझ लिया। बात संकल्प आ गई हमने संकल्प के महत्व को समझ लिया राजन। हाँ ठीक है बेटी वरमाला डालो। ठीक है बात हेलो हे राजन। हाँ राजकुमार हम इस योग्य तो नहीं थे। ये आपका बड़प्पन है आप तो बहुत बड़े सम्राट। नहीं नहीं हमें इस योग्य समझा ये आपका बड़प्पन नहीं तो और क्या मैं समझूं? हे राजन आपका कहना ठीक है ना हमारे पास धन है ना दौलत है ना रहने के लिए महल है फिर भी आपने इस योग्य समझ लिया। परंतु राजन मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ एक वचन देता हूँ। कौन सा? जब तक मेरे शरीर में प्राण बाकी है हाँ। आप में मेरे कंधों पर जो गृहस्थ आश्रम का भार सूखा है ना हाँ। तो मैं श्रद्धा सहित इसे पूरा करूंगा। खुश रहो राजकुमार खुश रहो आनंद करते रहो खुश रहो। तो विधि विधान के अनुसार वो विवाह संपन्न हुआ। राजा अश्वपति राजा तुमत सेन अन्य ब्राह्मण वो एक तरफ बैठकर विदाई की रस्म अदा करने लगे। अब सावित्री पहले अपने ससुर के पैर छूती है फिर अपनी सास की शरण में गई तो सत्यवान की माँ बड़ी ही प्रसन्न थी बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि हे प्रभु आपकी माया को तो कोई नहीं जान सकता। हमने तो कभी सपने में भी यह विचार नहीं किया था कि मेरे पुत्र का विवाह होगा। आपकी लीला परंपार है विवाह भी हुआ तो एक बहुत बड़े राजा की पुत्री से बहुत खुश थी। बहू को देखकर क्या कहती है? माता जी प्रणाम। Thank you.
नजर साथ लेकर आए थे उनको अपने साथ ही लेकर वहां से चल पड़े रोते हुए। अब सावित्री विचार करती है कि ये तो ऋषि का आश्रम है, तू राजशाही पोशाक पहने हुए है, ये तेरे लिए शोभा की बात नहीं है। नौलखा हार पहने हुए थी, वो अपने गले से निकाल लिया, अपनी सास को देते हुए क्या कहती है, मेरी नहीं।
मन में बैठे फिकर किसे थे और कुछ ना क्या करे। बाकी फिकर करे जब पति की उम्र के कुल चार अक दिन रहेगी। हे भगवान डूबती नैया धर उभार लिए ले सासु संगवा के धर लियो नो लख हार नहीं। तो जब नारद ऋषि ने ये कहा था कि सही आज से आगे एक वर्ष जिएगा, इस वर्ष का आज से लगा कर जब आखिरी दिन होगा वही सत्यवान के जीवन का भी आखिरी दिन होगा, तो सावित्री ने उसी दिन से दिनों को गिनना शुरू कर दिया था। वर्ष पूरा होने में जब चार दिन बाकी रहे तो सावित्री के मन की चिंता बढ़ने लगी। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु मेरी इस जीवन की नैया को मझधार में ना टकने देना, मैं तो आपकी शरण में हूं प्रभु, मेरे पति के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि मेरे पति के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो दिन गुजरा, तीन दिन बाकी रहे, सूर्य के सामने खड़ी होकर अपराहन के समय अपने हाथ में जल लेकर
एक संकल्प करती है। क्या कहा? We are.
सूर्य के सामने खड़ी होकर ये संकल्प करती है कि अब तुम्हें अन्न और जल तब ही ग्रहण करूंगी जब मेरे पति के जीवन मृत्यु का कोई निर्णय होगा। वो दिन वो रात्रि गुजर जाती है। अगले दिन में चिंता बनी रही, दिन भर आश्रम का काम करती रही और शाम के वक्त अपने सास की सेवा की, अपने ससुर की सेवा की, उनकी आज्ञा लेकर अपने पति की सेवा की ओर फिर। जब सोलिया आश्रम आसी तो सावित्री अपना आसन बिछाकर अपने हाथ में माला लेकर भगवान के भजन में लग गई। हो तो मध्य रात्रि के बाद अचानक सावित्री का ध्यान भंग हुआ और मन में यह विचार आया कि कभी ऐसा ना हो तेरी गिनती में और भगवान की गिनती में कोई अंतर रह गया, कम से कम तू अपने पति को चलकर देख तो ले कि हालात कैसे हैं। आसन से उठी, हाँ सब सोया हुआ था, वहां जाकर क्या कहती है क्या देखती है। क्या सोना और क्या जाना जी, अरे हम तो जमीन पर कुशा का बिस्तर लगाकर सोते हैं, सोना तो राजमहल वालों का होता है, लेकिन तुम्हारा हाँ ना ये उचित नहीं है। मुझसे भूल हो गई महाराज, गुरु की आज्ञा है क्या?
माँ को स्नान करा जी, खुद स्नान कर जी, पिता को स्नान कराऊंगा, खुद स्नान करने के बाद मुझे उसमें आज दोनों कहावन में शामिल होना है। ठीक है महाराज, जल्दी कर। होम के प्रेम नार के बढ़े जी विचार के हाथ सूर्य चढ़े, चार के हाथ सूर्य चढ़े, पश्चात हवन शुरू हो जाता है। सत्यवान सावित्री दोनों हवन में शामिल हुए। ब्राह्मण वेद के मंत्रों का उच्चारण करते रहे, वो सत्यवान सावित्री दोनों स्वाहा सबके साथ हवन में आहुतियां डालते रहे। हवन संपूर्ण हुआ तो सत्यवान का प्रतिदिन का एक नियम था। देखिए अनेकों कवियों ने ये सत्यवान सावित्री की कथा को बनाया है और गाया है, लेकिन सत्यवान को क्या बताया, लकड़हारा। लेकिन जो कथा में इतिहास में लिखा हुआ है वो लकड़हारा नहीं, सत्यवान लकड़ियां जरूर लाया करता हवन से वन से, लेकिन बेचने के लिए नहीं। लकड़हारा वो होता है जो लकड़ी तोड़कर बेच दे, वो तो केवल हवन के लिए सुविधा लाया करता, इसलिए लकड़हारा नहीं था। तो सत्यवान अपने गुरु की आज्ञा लेकर हवन संपूर्ण होने के बाद प्रतिदिन के नियम के अनुसार हवन के लिए संविदा और गुरु माता पिता के लिए फल पात लेने के लिए वन की तरफ बढ़ने लगा। तो सावित्री विचार करती है कि आज वही अंतिम दिन है जो नारद ऋषि ने कहा था, परंतु आज तो मैं अपने पति से पल भर के लिए भी अलग नहीं रहूंगी, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। तो जब सत्यवान वन की तरफ बढ़ने लगा तो सावित्री सत्यवान का मार्ग रोक कर क्या कहते हैं, ठहरिए महाराज, प्रणाम। प्रणाम, क्या हुआ, मेरा मार्ग क्यों रोक लिया? कहाँ जा? ओहो, ये तूने क्या कर दिया? क्या हुआ महाराज? एक साल हो चुका है तुझे। जी हाँ, आश्रम के नियम को ज्ञान नहीं हुआ। जी, हम तो इस बात को आप शगुन मानते हैं। किस बात को? अगर कोई भी इंसान अपने घर से किसी कार्य के लिए बाहर निकले और दूसरा उसे मार्ग में टोक दिए, अब शगुन होता है। तूने ये टोक कर अच्छा नहीं किया, जबकि तू सब जानती है कि मेरा प्रतिदिन का नियम क्या है, परंतु जानते बूझते तूने ऐसा क्यों किया? महाराज मुझसे भूल हो गई, फिर भी आप बता दीजिए आप कहाँ जा रहे हो। तो कोई नया कार्य मेरा नहीं है। जी, प्रतिदिन का नियम है, मैं हवन के लिए संविदा लाता हूँ वन से, और माता पिता गुरु के लिए फल पात आदि लाता हूँ, यही मेरा कार्य है। उसी कार्य के लिए आज भी मैं निकला था। तो महाराज आज आपके साथ वन में मैं भी चलूंगी।
मेरे साथ? जी हाँ। वन में? हाँ। क्यों, क्या कोई विशेष बात है? मेरी बात सुनिए। हो पिया जाएगी। अच्छा, पढ़ का तू हाल देख डर जाएगी।
जंगल में वो हिंसक जानवर रहते हैं जी, आदमी को खा लेते हैं। अच्छा, और कहीं कहीं घोर अंधेरा बन बड़ी मुश्किल से नजर आता है जी, और कहीं कहीं क्या है क्या है पानी का गुहाल देख डर जाए, उड़ खा के मर जाए, सूर्य सूर्य घन में आऊंगी, और दूसरा कारण क्या है? दूसरा क्या? थारे लिवा लाऊंगी थारे पाती काल जने के कर दे छन में रहेंगे दोनों के जी महाराज। भाई एक वर्ष में आज पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? काल। काल जने के कर दे छन में रहेंगे दोनों दुख सुख के साथी, ये काल शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये तो समय की बात है महाराज, समय को काल कहते हैं। अच्छा जी हाँ। क्या कोई और बात तो नहीं है? जी नहीं। तो मेरे साथ चलना चाहती है ना? जी हाँ, परंतु इस बात की आज्ञा मैं तो नहीं दे सकता। और कौन देगा महाराज? पगली, अभी तो माता पिता जीवित हैं, तो मेरा धर्म मेरा अधिकार कहाँ बनता है? जी हाँ। जा तू माता पिता से आज्ञा मांग ले। लेकिन वो आज्ञा कैसे देंगे महाराज? तू नम्र भाव से निवेदन करना, वो माता पिता हैं। ऐसे इनकार नहीं करेंगे। जी। जैसे एक मादा पक्षी अंडा देता है ना जी, और उस अंडे को अपने तन की गर्मी से उसके ऊपर बैठ कर सहता है जी, अगर पक्षी जितना ठोस वजन उस अंडे पर रख दिया जाए तो अंडा फूट जाएगा जी महाराज, परंतु पक्षी के वजन से अंडा कभी नहीं फूटता। अगर तू इस भाव को जानती है कि उस पक्षी के वजन से अंडा क्यों नहीं फूटता जी, जा उनसे आज्ञा मांग ले, वो मना नहीं करेंगे। माता जी प्रणाम। खुश रहो बेटी। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटी। बेटी जी हाँ, आज कैसे आई, क्या बात है? आपके जो पुत्र हैं हाँ, वो वन के अंदर जा रहे हैं। वो तो रोज जाते हैं बेटी। लेकिन आज मैं भी आपसे आज्ञा मांगने आई हूँ। मेरी बात सुनिए।
कहूँ सू नाटियो मत ना पहल मैं कहूँ सू नाटियो मत ना ना हो क्यों
के हस्ती चली तनकर डमा डोल पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने तोले तनकर डमा पिया के साथ हृदय ऊपर रहे खटकती श्री नारद जी की बात जिसका गोरा गोरा गात पड़े थी मग जो पन की झोले डोले श्री नारद जी के वचन नार के हृदय ने छोले जा मोर पपोई कोयल बोले मीठे मीठे बोले ख्याल पति का व्याकुल कन हो गया चढ़ दो तरिया का मन हो गया ये तो दुख सुख अनमोल Hey!
जी महाराज। आज मेरे शरीर में मेरे मस्तक में इतनी पीड़ा है जी, तब से पहले के जीवन में इतनी पीड़ा मैंने कभी अनुभव नहीं की। जी हाँ मुझे दिखाई देता हो मेरे पैर जमीन पर हो। जान गई मैं लगन मुहूर्त उस दिन जगड़े दिए मेरी सास सुसरे अंधे ने मेरे पति ने यो काम करा से वचना में बंधे ने हो बिना ज्ञान कोने काट सके इसे जन्म मरने Yeah।
सत्यवान अचेत हो जाता है। एक बरस पहले नारद ऋषि ने जो वचन कहा था वो सत्य हुआ। अब सावित्री अपने पति के सिर को अपने घुटने का सहारा देकर बैठ जाती है। मन में ये विचार कर रही थी कि अब यह देखना है ऐसी वो कौन सी शक्ति है जो मेरे रहते हुए मेरे पति के प्राण लेने के लिए यहां आई। एक मुहूर्त के बाद एक बड़ा लाल जिसके नेत्र काले वस्त्र पहने हुए अपने हाथ में फांस लिए हुए अपने मृत पति के शरीर के पास खड़ा हुआ केवल अनुभव किया। अपने पति के सिर को जमीन का सहारा देकर साहस करके उठी और क्या कहती है। हाँ जी कहिए आप कौन है देवी जी। क्या तुम मुझे देख पा रही हो। हाँ देख पा रही हूँ मैं आपको। अपने इन साधारण नेत्रों के द्वारा तुम मुझे देख सकती हो। जी हाँ देख सकती हूँ। वाह धन्य हो देवी धन्य हो। लेकिन आप कौन हो। मैं हाँ डर जाओगी नहीं। जब मैं अपना परिचय दूंगा कि मैं कौन हूँ। जी मैं नहीं डरूंगी आप बताइए। इतना साहस है। जी हाँ है। तब मुझे यमराज जान देवी। भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तेरी आयु लंबी हो। और ये भी जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपके आने का कारण क्या है। नहीं सह पाओगी देवी नहीं सह पाओगी। मैं सह लूंगी आप बताइए। जब मैं अपने आने का कारण बताऊंगा जी तुम्हें बड़ा दुख होगा देवी। नहीं आप बताइए। वो भी सह सकती हूँ। सह सकती हूँ। तो सुनिए देवी जी आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि समाप्त हो चुकी है। मैं स्वयं यमराज तेरे पति के प्राण लेने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन भगवान मैंने तो ऐसा सुना है। कैसा। कि जब भी मृत लोक में किसी की मृत्यु होती है हाँ। तो उसके प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं लेकिन आप तो स्वयं आ गए। हाँ देवी जी ये सत्य सुना है कि जब इस मृत लोक में किसी प्राणी की मृत्यु होती है जी तो उसके प्राण लेने के लिए मेरे दूत आते हैं। जी हाँ मैं स्वयं क्यों चलाया यही जानना चाहती हूँ देवी। यही जानना चाहती हूँ। हे देवी जी इस संसार में जितने प्राणी हैं जी क्या सब सकल एक जैसी। जी नहीं। सूरत एक जैसी है। जी नहीं। चाल चलन एक जैसा है। जी नहीं। काम करने का ढंग एक जैसा। जी नहीं। नहीं जी नहीं। तो देवी सबके कर्म भी एक जैसे नहीं है। जी कर्मों में विभिन्नता है देवी। वो कैसे। जो ये मनुष्य शरीर पाकर जी अपना सारा जीवन बुरे कर्मों में बिता देते हैं जी जैसे मांस भक्षण करना जी असत्य वचन बोलना जी मदिरा पान करना जी दूसरों की निंदा करना जी प्राय धन को हड़प लेना जी प्राय स्त्री पर बुरी नजर डालना जी माता पिता की सेवा ना करना जी गुरु की आज्ञा का पालन ना करना जी हे देवी जिनके अंदर दया नहीं होती जी जो धर्म को नहीं जानते जी केवल पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं जी ऐसे दुष्ट दुराचारी पापियों के प्राण लेने के लिए इस संसार में मेरे दूत आते हैं जी परंतु मैं स्वयं को चलाया। जी हाँ ये जानना चाहती हूँ। सत्यवान जी जो तुम्हारा पति कहलाया जी रूपवान गुणवान बलवान जी विद्वान जी माता पिता का आज्ञाकारी जी गुरु की सेवा में हर पल तत्पर रहने वाला जी हर जीव को सम दृष्टि से देखने वाला जी अपने पुत्रों को प्रसन्न रखने वाला जी हे देवी जी ऐसे महान प्राणियों के प्राण लेने के लिए मेरा दूत नहीं मुझे स्वयं आना होता है देवी। तो क्या भगवान आप मेरे पति के प्राणों की मुझे भिक्षा नहीं दोगे। नहीं देवी नहीं। ते भिक्षा मांगना और देना तुम सांसारिक मनुष्यों का कार्य है जी देवताओं का नहीं देवी। हाँ अगर देवताओं को भी इस सृष्टि के हित के लिए कभी भिक्षा मांगनी पड़े जी तो ये मनुष्य रूप धारण करना होता है देवी। तो ठीक है भगवान आप जिस कार्य के लिए आए हो हाँ। वो अपना कार्य कीजिए मैं उसमें कोई बाधा नहीं बनूंगा। धन्य हो देवी धन्य हो। यही आशा थी देवी।
नहीं नहीं देवी वापिस रुड़ जाओ देवी, मेरा मार्ग तो बहुत ही लंबा और बड़ा कठिन बड़ा दुष्कर है देवी। जी भगवान, मैं आपके पीछे तो आ रही हूँ। हाँ। लेकिन इसका कारण है भगवान, मैं तो सिर्फ एक मित्रता धर्म का पालन कर रही हूँ। देवी जी, एक स्त्री होते हुए क्या तुम मित्रता धर्म को जानती हो? जानती और मानती भी हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे मुख से कि मित्रता का धर्म क्या होता है। जब किसी गृहस्थी के यहाँ कोई अतिथि आता है, रात भर रैन बसेरा करता है और सुबह ही उठ के अपने स्थान पर प्रस्थान करता है, तो उस गृहस्थी का ये फर्ज और ये धर्म बनता है कि उस अतिथि के साथ चलकर साथ कदम रखे। ऐसा करने से क्या होता है देवी? ऐसा करने से मित्रता धर्म का पालन हो जाता है। ऐसे वो मित्रता का धर्म है संग साथ सुनकर बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ देवी जी। तुम पर अति प्रसन्न हूँ जी। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो देवी। तो मेरे सास ससुर नेत्रहीन है, उनके नैनों में ज्योति आ जानी चाहिए, राज से भ्रष्ट है उनका राज, उनको वापस मिल जाना चाहिए भगवान। वाह, ये सुनकर तो मैं और भी प्रसन्न हुआ देवी। केवल दूसरे की भलाई के लिए जी हे देवी, तथा जाइए, ऐसा ही होगा देवी। अब भी मेरे पीछे चल पड़ी जी? नहीं नहीं देवी, वापस हो जाओ। मैंने तुमसे कहा जी कि मेरा मार्ग बड़ा ही लंबा, बड़ा कठिन और बड़ा दुष्कर है, तुम चलती चलती थक जाओगी देवी जी। और तुम ये नहीं जानती क्या, तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर मैं किस दिशा को जाऊंगा? किस दिशा को जाओगे? दक्षिण दिशा को। वहाँ क्या है? अग्नि के लोक है। उसका स्वभाव? पंचभौतिक शरीर को जलाकर भस्म करना, ये अग्नि का स्वभाव होता है। अपनी देह के समेत तुम उन लोकों को पार नहीं कर पाओगी, जलकर भस्म हो जाओगी। वापिस हो जाओ। ये आपकी भूल है भगवान। युवराज की भूल है। जी हाँ, अगर मैंने अपने सास ससुर की सेवा में और पति की सेवा में जरा भी कमी की होगी तो अग्नि देवता मुझे जलाकर भस्म कर देगा। हाँ। और अगर मेरी इनकी सेवा परिपूर्ण की है, हाँ, जलाकर भस्म तो दूर अग्नि देवता मुझे छू भी नहीं पाएगा। वो कैसे देवी? वो संतजन तपवत भजन मेरे गुरु को कथन में उसे ज्ञान को लगती, तपवत भजन मेरे गुरु का कथन में उसे ज्ञान को लगती, कृपा हो प्रभु आपकी मैं विरथा नहीं बकती, जहाँ जाए पति जहाँ चले पति मैं वो रास्ता, अब पति के संग चलने से गति मेरी रुकी नहीं सकती, क्योंकि पति के अपना देवता मानती हो और उसके पति का साथ बिछड़ जाए जी। मैं समझ सकता हूँ देवी जी भगवान के उस पतिवर्ता स्त्री पर क्या बीतता दुख होता है जी भगवान। परंतु देवी, हम इस मोह माया के बंधन से परे हैं। सुनने की उत्कंठा मेरी और बढ़ जाती है देवी जी। देवी जी, तुम्हारे मुख से निकले हुए वचनों को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। हे देवी,
तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई और वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उनके यहाँ भी 100 पुत्र औरस हो जाने चाहिए। तथास्तु, जाइए देवी, ऐसा ही होगा देवी। संत जन की धर्म को परिधान कहते हैं, दूसरे तीसरे धर्म को अनजान कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, मिले इस धर्म से परम सुख शुभ स्थान कहते हैं। जब तुमने ये कहा जी कि संत जन इस धर्म को प्रधान कहते हैं जी, मुझे वो दृष्टांत याद आया देवी जी। कौन सा? बहुत पहले की बात है जी। एक दंपति जोड़ा ब्राह्मण जी, कुल प्रतिदिन का नियम जी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जी अपने इष्ट देव की पूजा करना जी, हवन आदि करना जी, ये उनका नियम था जी। पत्नी एक उनका अभूत पुत्र जी, जिसने घुटनों के बल चलना सीख लिया था जी, ग्रीष्म ऋतु थी देवी जी, अपने पुत्र को उस देवी ने दूध पिलाकर और पलने में सुला दिया जी। उसके पति ने हवन शुरू किया, पति के साथ बैठ जाती है जी। बहुत देर तक हवन चलता रहा जी। से और ग्रीष्म ऋतु होने के कारण जी मैं पीड़ा हुई जी। हवन संपूर्ण हुआ जी। उसका पति लेट जाता है जी और वो अपने पति की सेवा करने लगी जी। उस देर के बाद उसके पुत्र की याद जी अपनी माता को देखा और मुस्कुराया और पलने से उतरने की कोशिश करता है जी। अब उस देवी ने विचार किया कि वो तेरा पुत्र तो को ज्ञान नहीं है कि अग्नि देव का स्वभाव क्या होता है जी। अगर इस हवन कुंड में गया तो जलकर भस्म हो जाएगा जी। और मैं अपने पति की सेवा में लगी हुई हूँ, इनकी आंख लग चुकी है जी। इनकी आज्ञा के बिना मैं सेवा का त्याग नहीं कर सकती जी। अगर पुत्र को संभालती हूँ तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा जी। पुत्र को नहीं संभालती तो तेरा पुत्र जलकर भस्म होगा जी। धर्म संकट हुआ जी। अब ऐसी स्थिति में उसने विचार किया कि ओहो जी, पुत्र जो है वो पति की देन है जी। पुत्र तो और भी हो सकता है जी, परंतु पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ जी तो घोर नरक में जाना होगा जी। तो अग्नि देवता से मन ही मन प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे विश्वनर जी, आप तो इस संसार का भरण पोषण करने वाले हो जी। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अपने पति की सेवा का त्याग नहीं कर सकती जी। परंतु हे प्रभु, मेरा पुत्र अबोध है, आपके स्वभाव का उसको ज्ञान नहीं है जी। अगर मेरा पुत्र पलने से उतर कर हवन कुंड में जाए तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे पुत्र को आंच नहीं लगनी चाहिए प्रभु जी। अगर मेरे पुत्र को आंच लगी जी तो मैं आपको श्राप दूंगी जी कि आज के बाद किसी गृहस्थी के घर पर आप चल नहीं पाओगे जी। हे देवी जी, वो पतिव्रता थी, अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, पति की सेवा का त्याग ना किया जी। तो ऐसी महान पतिव्रता की पुकार अग्नि देवता ने सुनी जी और वैसा ही हुआ। उसका पुत्र पलने से उतर कर हवन कुंड में जा पहुंचा जी, लेकिन अग्नि देवता ने उसे आज तक नहीं लगने दी जी। आज जब तुमने ये कहा कि संत जन इस धर्म को प्रधान कहते हैं जी, देवी मुझे वो दृष्टांत याद आया जी। प्रभु, पतिव्रता स्त्री के लिए पहला धर्म यही है कि उसके पति की सेवा, पति की आज्ञा का पालन करना जी। मैं फिर सुनना चाहता हूँ देवी। ओ संत जन इस धर्म को प्रधान कहते हैं, दूसरे तीसरे
धर्म को अनजान कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, मिले इस धर्म से परम सुख शुभ स्थान कहते हैं। ओ से निकले हुए वचन सुनकर आनंद से विभोर हूँ, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। हे देवी, मैं कितना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ ये मैं बयां भी नहीं कर सकता देवी, लेकिन आनंद तो निराकार है। जी हाँ, आनंद का कोई स्वरूप नहीं। जी, अगर आनंद का स्वरूप होता तो आज मैं दिखा देता प्राप्त कर रहा हूँ देवी जी, परंतु एक भाव के द्वारा बता सकता हूँ जी। जैसे कोई प्यास से मर रहा मनुष्य जल के बिना जिसके प्राण निकले जा रहे हो जी, और दूसरा कोई भाग्यवान पुरुष आकर उसके मुख में ठंडा और मीठा जल डाल दे जी, जितना आनंद वो अपने प्राण बचने पर प्राप्त करता है, आज स्वयं यमराज मैं उतना ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद से विभोर हूँ, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर कोई और वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो देवी। तो मेरे यहाँ भी कोई पुत्र नहीं है, 100 पुत्र और हो जाने चाहिए। तथास्तु, जाइए देवी, ऐसा ही होगा देवी, लौट जाइए। ठहरिए भगवान, मेरा मार्ग छोड़िए देवी, क्या और वरदान की इच्छा हुई? मैंने ऐसा सुना है कि कोई गरीब आदमी, लाचार आदमी मजबूरी में झूठ बोलता है। हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि देवताओं में भी झूठ बोली जाती है। क्या कुछ मैंने असत्य कहा देवी? मेरे पति के प्राण लेकर आप जा रहे हैं, क्या संसार में भी विचारनी पड़कर पुत्र? नहीं नहीं देवी, नहीं। ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सही कह रही हूँ। यह तुमने मुझसे क्या वरदान मांग लिया? वरदान मांगा मैंने, लेकिन दिया आपने भगवान। तुमने धर्म युक्त वचनों का झांसा देकर मुझे छल लिया देवी। नहीं भगवान, जो पतिवर्ती है वो छल नहीं करती। आनंद की विभोरता में मैं तो ये भी ना जान पाया कि तुम उसे क्या वरदान मांग रही हो और मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। जी, आपने दिया और अपनी मर्जी से दिया। देवी नहीं। हे देवी जी, एक पतिवर्ता स्त्री के बीच में जी और स्वयं यमराज के बीच में ये धर्म का युद्ध था जी। एक पतिवर्ता स्त्री ने स्वयं यमराज को पराजित कर दिया देवी। धन्य हो देवी, धन्य जी भगवान। आज मैं यमराज बड़ा विवश हूं, बड़ा लाचार हूं देवी जी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने लोक में जाकर निंदा का पात्र बनूं और देवता मुझ पर ये उंगली उठाएं कि जो धर्म के प्रतीक हैं वो मृत लोक में असत्य वरदान देकर आए हैं? क्या तुम ये चाहती हो देवी? नहीं भगवान। हाँ, तुम जैसी पतिवर्ता स्त्री ऐसा कदापि नहीं चाहेगी जी। क्या तुम ये जानती हो, क्या तुमने ये समझ लिया कि सृष्टि का कर्ता धर्ता भर्ता मैं हूं? हाँ, मैं तो यही समझती हूँ। नहीं देवी, नहीं जी, मैं वो नहीं हूँ जी। वो विधाता तो और है जी, मैं भी उस विधाता के हाथ की कठपुतली हूँ देवी जी। विधाता ने जीव के कर्मों का फल और दंड प्रदान करना जी, यह कार्य मुझे दिया है जी, और उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा हूं देवी। मैं जीवन दान नहीं दे सकता। हे देवी जी, क्या तुम मेरा वचन सत्य कराना चाहती हो? जी हाँ। निंदा का पात्र बनने से बचाना चाहती हो? जी हाँ। तो केवल एक मार्ग है देवी, तुमने मेरी सहायता करनी होगी जी। हेलो, क्या मेरी सहायता करोगे? जी हाँ, करूंगी। एक मार्ग है जी। वो क्या? क्या? कि तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि तो आज समाप्त हो चुकी है जी भगवान, परंतु तुम ये नहीं जानती हो कि तुम्हारी आयु कितनी है। नहीं भगवान, मैं ये बात नहीं जानती और ना ही मुझे इस बात का ज्ञान है। ये जितना भी ज्ञान हो, मैंने एक निष्ठ होकर अपने सास ससुर और पति की सेवा की है, ये ज्ञान सभी उन्हीं से मिला है मुझे। हाँ, लेकिन भगवान, इतना ज्ञान नहीं हुआ कि मैं अपनी उम्र की अवधि बता सकूं। हाँ, मैं जानता हूँ जी, तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की है देवी जी। जो आयु अब तक बीत चुकी है जी, उस आयु को छोड़कर जी बची हुई आयु का आधा भाग संकल्प करके अपने पति के नाम से दोगी तो
तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, सो पुत्र और होंगे, मेरा वचन सत्य होगा देवी, दूसरा मार्ग नहीं है। हे भगवान, आप तो मेरी आयु का आधा भाग कहते हैं, हाँ। लेकिन मैं अपनी आयु का पूरा भाग देने के लिए तैयार हूं। नहीं देवी, क्या तुम क्या कह रही हो? क्या तुमने यह विचार नहीं किया? क्या? अपनी आयु का पूरा भाग अपने पति के नाम से संकल्प करोगी तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा इसका परिणाम? तुम्हारा पति तो जीवित हो जाएगा जी। फिर तुम जीवित कैसे रहोगी देवी? मेरा वचन सत्य कैसे होगा? सो पुत्र ओरस कैसे होंगे देवी? ओ भगवान, मुझसे भूल हो गई। नहीं 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 देवी, नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों, एक महान पतिव्रता यमराज को पराजित कर सकती है, वो इस प्रकार की छोटी भूल कर दे? मैं जानता हूं देवी, मेरी भूल को दबाने के लिए तुमने जानबूझकर ऐसा कह दिया होगा। नहीं भगवान। तो क्या मेरी सहायता करोगी? जी हाँ। आयु का आधा भाग, बची हुई आयु का जी अपने पति के नाम से संकल्प करोगी? जी भगवान। तो आइए देवी, देरी ना की। नेत्रों में ज्योति आ जाए, उनका राग मिल जाएगा, तेरे पिता के यहाँ भी सौ पुत्र ओरस होंगे। जाइए देवी। प्रणाम भगवान। तो भाई भगवान ने चाहिए तो फिर मिलेंगे। ये कथा, ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है।